गया में स्पेयर ट्रेन की तीन बोगियां बेपटरी। पहाड़पुर रेलवे स्टेशन के पास पटरी से उतरी ट्रेन, 3 घंटे तक अप डाउन सेवा बाधित। मुंगेर में युवक का मर्डर, आपसी विवाद में दोस्त ने लोहे की रॉड से पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। जदयू के प्रकोष्ठों में ललन आरसीपी के लोग बराबर, पीयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष दीवांशु बने युवा अध्यक्ष, नीतीश पटेल को छात्र प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी। शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शाह पर वेब सीरीज, दिवंगत सांसद की पत्नी पर बन रही रंगदार, एक्ट्रेस आकांक्षा सिंह निभाएंगी किरदार। महिला रिमांड होम मामले में सरकार को फटकार, पटना हाईकोर्ट ने पूछा आपने कोई एक्शन लिया या नहीं, अब 11 फरवरी को सुनवाई। गोपालगंज में स्कूल वैन पर पलटा ट्रक, एक छात्र ने मौके पर ही तोड़ा दम, 4 गंभीर रूप से जख्मी, सभी अस्पताल में भर्ती। उत्तर बिहार में कोल्ड डे से जम्मू वाली सर्दी, 19 जिलों में सुबह के समय रहेगा कोहरा, 4 दिनों तक तापमान में कोई बदलाव नहीं। भागलपुर के शहद का स्वाद चखेंगे राजधानी के लोग, लीची तुलसी और सरसों 3 वैरायटी में होगा उपलब्ध, 410 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर मिलेगा। मुजफ्फरपुर में चचेरे भाई ने नाबालिग से रेप किया, बच्ची को बहलाकर छत पर ले गया, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मंत्री मुकेश सैनी का दावा 2025 में बनेंगे सीएम, जदयू ने कहा मुंगेरी लाल के हसीन सपने हर कोई देखता है पर सबका पूरा नहीं होता। लता दी की जबरा फैन है जहानाबाद की शिवानी, निधन की खबर सुन रोने लगी, याद में गाती रही गीत और आंखों से टपकते रहे आंसू। नवादा में 2 बाइक चोर को लोगों ने पकड़ा, बाइक ले जाते हुए मालिक ने देखा, चिल्लाने के बाद लोगों ने पकड़ा, फिर जमकर की धुनाई। कटिहार में अस्पताल जाने वाली सड़क हुई जर्जर, मरीजों को ले जाने में हो रही परेशानी, दुर्घटना का भी हमेशा रहता डर। बक्सर में 24 घंटे के भीतर 23 लोग हुए स्वस्थ, 565 लोगों में सिर्फ 7 लोग पाए गए संक्रमित, संक्रमण की रफ्तार बेहद कम हुई। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सबोछापुर विधायक बेबी कुमारी ने गुलाल लगाकर माता को दी नम आंखों से विदाई।